हेलो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं दोनों। जैसा कि आप जानते हैं, यह ट्रिग्नोमेट्री की ही सीरीज है, तो ट्रिग्नोमेट्री के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन पहले एक बार, फिर एक एक करके डील करता हूं मैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, इफ 5 टाइम्स साइन थीटा इज इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ sec theta plus 4 cot theta is divide by 4 tan theta minus 5 cos theta is। देखो, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है। एक्चुअली हमें सीधा सीधा क्या दिया है, 5 टाइम्स sin theta इज इक्वल टू 4। इसका मतलब हम लोग आराम से बोल सकते हैं sin theta इज इक्वल टू 4/5। कोई परेशानी नहीं है ये कहने में, है ना। जब साइन थीटा 4/5 मिल गया, तो कॉस थीटा कितना होगा, 3/5। कैसे आएगा यह मत पूछना। 1 - 4/5 का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट, 25 - 16/25 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3/5, है ना। अब यह कहां से आया, 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर किसी को अब यह फॉर्मूला नहीं पता है, तो उसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का कोई हक नहीं है। इतने दिनों के बाद भी यह फॉर्मूला अगर याद नहीं है, तब ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ सकते हो। तो हमें इस क्वेश्चन में साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। हमें पूछा क्या गया है, इसमें हमारे पास सेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा तो हमें पता चल गया, सेक थीटा क्या होता है, 1 cos theta। तो sec theta की वैल्यू भी हमें मिल गई 5/3। cot theta क्या होता है, cos theta by sin theta। तो हमें cot theta भी मिल गया, कितना आ गया cot theta, 3/4। ठीक उसी तरह से अब देखो tan theta, cot theta का उल्टा होता है, तो 4/3 हो जाएगा यह। और cos theta तो हमें पता ही है, सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में डाल देना है। sec थीटा की जगह 5/3 प्लस 4 टाइम्स cot थीटा 3/4, है ना। 4 कैंसिल हो गया, नीचे क्या आएगा, 4 टाइम्स tan थीटा 4 × 4/3 माइनस 5 टाइम्स cos थीटा, cos थीटा है 3/5। 5 कैंसिल हो गया, फिर से एलसीएम ले लो, एलसीएम 3 लेना है, है ना। ऊपर क्या आ जाएगा, 5 + 9, और नीचे क्या आ जाएगा, 16 - 9, 14/7 इज इक्वल टू 2। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन ए। देखो, जिनको ये सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, उनके लिए एक और मेथड भी है, वह भी देख लो, क्या पता कब उससे बनाने का मन कर जाए। हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता है, अब है ना, साइन थीटा कॉस थीटा तो निकालना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। साइन थीटा और कॉस थीटा जब हमने निकाल लिया, साइन थीटा 4/5 और कॉस थीटा 3/5, तो इस पूरे को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक थीटा क्या होता है, 1 cos theta, यह सब कुछ अभी लगा ही था हमें वैल्यूज निकालने में। यहाँ पे अब इसको डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और नीचे 4 tan theta, मतलब साइन बटा कॉस, माइनस 5 cos theta, है ना। यहाँ पे ही सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे आता है हमारे पास साइन थीटा प्लस 4 cos² थीटा। इसका डिनोमिनेटर जो था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसमें से कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, बचा रहेगा सिर्फ एक साइन थीटा, और अंदर में हमारे पास क्या बचा है, अब 4 sin theta - 5 cos² थीटा। काम सारा वही है जो पहले किया था, अब सारी वैल्यूज डाल दो। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 4/5, 4 cos² थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास है 9/25, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 4/5, 4 sin theta हो जाएगा 16/5, माइनस
फाइव कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 15/45/25, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। क्या आएगा एलसीएम तुम्हारा 25 आ जाएगा, तो यहां पे आएगा 20+36 डिवाइड बाई 4/5, और फिर से अंदर का एलसीएम 25 आएगा जो कैंसिल हो जाएगा, है ना। 16 × 5 = 80 − 45, 56, 4 × 5, और यहां पे कितना आया 35, है ना, 7, 8, 8 × 4 = 2, आंसर वही आना है, क्वेश्चन वही है तो आंसर भी वही होगा, तरीका चाहे कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 cos²θ − 2 sin²θ + 3 cos θ = 3, थीटा 0 से 30 डिग्री के बीच में है और हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म है, तो हमें इस इक्वेशन से साइन थीटा या कॉस थीटा कोई एक वैल्यू निकालना होगा। क्या निकाल सकते हैं इक्वेशन को देख के बताओ। देखो इक्वेशन में हमारे पास ये कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर, ये दोनों तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैसे होते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 − sin²θ, कॉस को साइन में बदलो या कॉस को साइन में बदलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये 3 cos θ जो है ये किसी में चेंज नहीं हो सकता है, तो हमें यहाँ पे कॉस रखने से आसानी होगी ना, तो इसको हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। और देखते हैं इस साइन को हमें कॉस में बदलना है ना, तो हमारे पास क्या आएगा 12 cos²θ − 2 − 1 cos²θ + 3 cos θ − 3 = 0, यही लंबा सा इक्वेशन है जिसको छोटा बनाना है और सॉल्व करना है। देखो 12 cos²θ और यहाँ पे +2 cos² हो जाएगा, मतलब 14 cos²θ, यहाँ पे +3 cos θ तो है ही, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे -3 है तो −5 = 0। अब ये बड़ा गंदा सा क्वाड्रेटिक आ गया है, इसमें सम ऑफ द रूट्स देखो 14 × 5 = 70 है, प्रोडक्ट 70 है, सम हमें चाहिए 3, तो 10 + 7 लेते हैं अगर, तब हमारा काम हो जाएगा ना, होगा ना, 10 − 7 लेना होगा, 7 + 7 से कैसे होगा 10 − 7, तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, 14 cos²θ − 7 cos θ + 10 cos θ − 5 = 0, मतलब क्या हुआ 7 cos θ कॉमन निकाल दिया, 2 cos θ − 1 + 5 कॉमन निकला यहाँ से 2 cos θ − 1, है ना, तो हमारा क्या बन गया इक्वेशन, अब 7 cos θ + 1 / 2 cos θ − 1 = 0, दिख रहा है, मतलब हम लोग क्या लेंगे कॉस थीटा की वैल्यू, इससे तो नेगेटिव मिल जाएगी, नेगेटिव हम लोग को लेना नहीं है क्योंकि कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है, एक रेशियो है, तो हमें यह वैल्यू लेनी है 2 cos θ − 1 = 0, 2 cos θ − 1 = 0, यहाँ से क्या मिला cos θ = ½, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई हमें, तब इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो कॉस थीटा जब हाफ मिल गया तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी, है ना, अब यहाँ पे कोसेक 60 डिग्री + sec 60 डिग्री डिवाइड बाय tan 60 डिग्री + cot 60 डिग्री, इसको कैलकुलेट कर लो, कोसेक 60 डिग्री कितना होता है 2/√3, sec 60 डिग्री कितना होता है
टैन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3, कॉट 60 डिग्री 1/√3, है ना। ऊपर और नीचे दोनों एलसीएम ले लेना है, एलसीएम हमारे स्क्वायर रूट 3 आएगा, तो हमारे पास क्या आता है 2 + 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 3 + 1, क्या बच जाता है हमारे पास 1 + √3 डिवाइड बाय 2, ऑप्शन डी। अब जिनको ये वैल्यूज याद नहीं है कहाँ से आ गया कोसेक 60 डिग्री कहाँ से आ गया भैया, वो भी देख लो, उनके लिए भी एक तरीका है, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कोसेक की जगह क्या आएगा 1/sin 60 डिग्री या थीटा ही रखो अभी, प्लस 1/cos θ, और डिनोमिनेटर में क्या है sin θ/cos θ प्लस cos θ/sin θ, है ना। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर क्या आएगा sin θ + cos θ, और नीचे क्या आएगा sin²θ + cos²θ, जो कि हो जाएगा 1 के बराबर। मतलब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ sin θ + cos θ, और कॉस थीटा की वैल्यू जब हमें हाफ मिल ही गई है तो इस थीटा 60 डिग्री की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कॉस थीटा हाफ है, साइन थीटा हो जाएगा √1 - cos²θ, कितना हो जाएगा ये 1 - 1/4 √, मतलब √3/2। तो क्या आया हमारा आंसर, √3/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 + √3/2, ऑप्शन डी। क्वेश्चन वही है, आंसर वही है, तरीका चाहे कुछ भी हो।